बढ़ते हैं जयपुर से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन से जुड़ा ये पूरा मामला, हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन को तलब किया है। 7 मार्च को अदालत में उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि 3 साल की परीक्षाओं की उत्तर कुंजी में किए गए बदलावों की रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने ये आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता निधि चौधरी व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया गया है। वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन परीक्षा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन को तलब किया है। 7 मार्च को अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। पेश होकर बीते 3 साल की परीक्षाओं की उत्तर कुंजी में किए गए बदलावों की रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने ये आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता निधि चौधरी व अन्य की याचिकाओं पर ये आदेश जस्टिस समीर जैन ने दिया है। तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन से जुड़ा ये मामला। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेश पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन से जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर जवाब मांगा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन से, तलब किया गया है उन्हें। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन उनको 7 मार्च को जो है हाईकोर्ट पेश होने की शिकायत आती है। उनसे पूछा है कि पिछली 3 भर्तियां जो बोर्ड की ओर से करी गई है उसमें जो उत्तर कुंजी जारी की जाती है बोर्ड की ओर से, उसमें कितने बदलाव किए गए हैं, प्रारंभिक उत्तर कुंजी में क्या आंसर थे और अंतिम उत्तर कुंजी के उसमें क्या आंसर थे, और जो बदलाव किए गए हैं वो क्यों किए जाते हैं। क्योंकि हाईकोर्ट में से कई सारे मामले आते हैं जिसमें विवादित क्वेश्चन आंसर का मामला रहता है। कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये याचिका फाइल करते हैं कि उनके आंसर सही थे, लेकिन जो बोर्ड ने उनकी गलत से जो है वो जांच कर ली थी। मान्यता प्राप्त पुस्तकों के आधार पर जो है ये पेश की जाती है याचिकाएं। तो कोर्ट ने इन जनरल आदेश दिया है कि ऐसी गड़बड़ियां क्यों हो रही है कि जो है उत्तर कुंजी में अलग आंसर होता है, बाद में जो अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाती है उसमें अलग आंसर होता है। तो 7 तारीख को ये 3 साल की भर्तियों का ब्यौरा पेश करना है चेयरमैन को। जी बिल्कुल, तो 7 तारीख को ये पूरा ब्यौरा पेश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस पूरी जानकारी के लिए।